स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में अकारांत नपुंसक लिंग पुस्तक का शब्द रूप को हम सिखाएंगे। आयुष कुमार ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप पुस्तक का शब्द रूप को बताइए। तो आयुष, हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग हैं सभी का रूप ऐसे ही होगा, ठीक है। इसमें हम फल का शब्द रूप आपको सिखा दिए थे, ठीक है, और साथ ही साथ इसका ट्रिक भी दे दिए थे। तो अगर आप एक शब्द रूप को लर्न कर लेते हो, यानी अकारांत नपुंसक लिंग को, तो आपका जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है सभी का रूप ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों, पहले आप समझ लीजिए कि ये अकारांत नपुंसक लिंग क्या होता है। नपुंसक लिंग को तो आप जानते ही हो, ना ही पुल्लिंग होता है और ना ही स्त्रीलिंग होता है, यानी जो निर्जीव है वही हो गया नपुंसक लिंग। और अकारांत क्या होता है? जिसके बाद जो शब्द के लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं होता है, क्योंकि अ का कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके बाद, जैसे यहाँ देखिए पुस्तक, तो पुस्तक इसके बाद क के बाद तो कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है। उसी तरह फलम, फल, उसमें भी मात्रा नहीं है, नेत्रम, पुष्पम, तो जिसमें भी मात्रा नहीं है वो होता है अकारांत नपुंसक लिंग। तो अगर आप एक लर्न कर लेते हो, मान लीजिए पुस्तक का आप लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जितना भी अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग है सारा का रूप वैसे ही होगा। तो आपको केवल एक लर्न करना है, चाहे आप फल का कीजिए, चाहे आप पुस्तक का कीजिए, चाहे नेत्रम का कीजिए, पुष्पम का कीजिए, सभी का एक करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो नया चैनल है मुक्तामिश क्लास 1 to 7, तो उसमें हम फल का शब्द रूप बनाए थे एकदम ट्रिक के साथ। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी अकारांत नपुंसक लिंग आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और आयुष, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूजा का समय, दुर्गा पूजा चल रहा है, और इस समय भी आपको इतना पढ़ने का मन है कि कल आपने कमेंट किए थे कि मैम पुस्तक का शब्द रूप को बना दीजिए, ठीक है। तो कल तो मेरा समय नहीं हुआ था, तो आज किसी तरह हम समय आपके लिए निकाले हैं और इसको हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा कमेंट करके पढ़ाई मांगते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये जानकर कि बच्चों को पढ़ाई में कितना मन है कि मुझे कमेंट करके बच्चा पढ़ाई के लिए मांग रहा है। तो चलिए आयुष, आपका डिमांड को हम रखते हैं और अकारांत नपुंसक लिंग पुस्तक का शब्द रूप को हम आपको सिखाते हैं। तो बच्चों, पहले आपको क्या करना है, विभक्ति लिख लेना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। इस विभक्ति को आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रथमा, एक वचन, पुस्तकम, द्विवचन, पुस्तके, बहुवचन, पुस्तकानी, द्वितीया, एक वचन, पुस्तकम, द्विवचन, पुस्तके, बहुवचन, पुस्तकानी। यानी बच्चों देखिए, प्रथमा और द्वितीया पूरा सेम है, तीनों वचनों में देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया में पुस्तकम, पुस्तकम, एक वचन में, द्विवचन में पुस्तके, पुस्तके, और बहुवचन में पुस्तकानी, पुस्तकानी, ठीक है। आप तृतीया, तृतीया में, एक वचन में पुस्तके, द्विवचन में पुस्तकाभ्याम और बहुवचन में पुस्तके, चतुर्थी में, एक वचन में पुस्तकाय, द्विवचन में पुस्तकाभ्याम और बहुवचन में पुस्तकेभ्या, पंचमी में, एक वचन में पुस्तकात्, द्विवचन में पुस्तकाभ्याम और बहुवचन में पुस्तकेभ्या। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये दो बार यहाँ पर पुस्तके, पुस्तके आया, प्रथमा और द्वितीया में द्विवचन में, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में देखिए तीन बार आया है पुस्तकाभ्याम, 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 ठीक है। और उसके बाद देखिए बहुवचन में, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन में दो बार आया है पुस्तकेभ्या, पुस्तकेभ्या, ठीक है। अब आ जाइए षष्ठी, षष्ठी में, एक वचन में पुस्तकस्य, द्विवचन में पुस्तकयम् और बहुवचन में पुस्तकानाम्, सप्तमी में, एक वचन में पुस्तके,
द्विवचन में पुस्तकयो और बहुवचन में पुस्तकेषु, और संबोधन लास्ट संबोधन में एक वचन में हे पुस्तक, और इसका चिन्ह जरूर दीजिएगा संबोधन का चिन्ह, द्विवचन में हे पुस्तके और बहुवचन में हे पुस्तकानि। ठीक है बच्चों, तो ये था पुस्तक का शब्द रूप, और अगर इसका ट्रिक चाहिए आपको तो आप फल का शब्द रूप को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम आसान ट्रिक दे दिए हैं लर्न करने का। ठीक है, और वो मेरा नया चैनल जो है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7 उसमें हम दे दिए हैं, तो उस चैनल में आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।